दो एग्जांपल, लोकस के एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है थ्री आइसोस्कलस ट्रायंगल है, पीबीसी, क्यूबीसी और आरबीसी। ये है क्यूबीसी, आप तो ये भी ऊपर बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर बनाओ उधर बनाओ, जगह के हिसाब से। अब सबका बेस एक ही है बीसी, अब इच्छा हो तो यहाँ बना सकते हो और यहाँ बना सकते हो अलग से, एक ही बार हमें प्रूव करना है। पी क्यू आर लीजिए, को लीजिए, को लीजिए मतलब बताया है तीनों एक ही लाइन में, क्या करेंगे हम, हमें प्रूव करना है कि सब एक ही लाइन पर है। और वो मान लेते हैं एल, सबसे पहले नाउ देखो पी बी और पी सी क्या है, ये और ये क्या है आपके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो नाम है ना, ये जो लाइन मतलब ये लोकस है, लोकस भी कह सकते हो। एल क्या है, लोकस ऑफ, इस पर जो भी है ना ये पॉइंट, जब भी मिड पॉइंट होता है ये लाइन है, ये जो एल लाइन रेखा दे रही है ये लोकस है, लोकस ऑफ बी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी एंड सी, ये इन दोनों का लोकस है। और ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, एल परपेंडिकुलर ऑन क्या दे रखा है आपके बी सी। जब भी दोनों इक्वल होंगे तो ये वाली लाइन है, ये पूरे पॉइंट यहाँ से सारे के सारे पॉइंट जो भी बनेंगे ना, ये सब लाइन क्या होगा, इस पर क्या होगा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और ये जो एल लाइन पर क्या आया हुआ है, पी आया हुआ है। अब ये क्या नाम है, पी इन, जो भी क्या है लाइन एल पर आया हुआ है, पी कहाँ आया हुआ आपके एल लाइन पर, पी लाइज ऑन एल, पी एल लाइन पर आया हुआ है। सेम ऐसे ही आपको लिखना है क्यू के बारे में, ऐसे आर के बारे में लिखना है, तो ऐसे लिखना क्यू बी बराबर क्यू सी, वैसे बी आर बराबर सी आर, ऐसा करके लिखना है आपको। सेम सिमिलरली क्यू लाइज ऑन एल, आर लाइज ऑन एल, सो अ लाइन, एल क्या है, एल इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए पी क्यू एंड आर इज ए क्या हो जाएगा, को लीनियर हो जाएगा। ये तीनों एक ही लाइन पर आए हुए हैं। थ्योरम लगा सकते हो, 10.1 थ्योरम लगा सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, और बी का एंगल का और सी एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, और ये कहाँ दोनों मिल रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि पी एम और पी एन इक्वल है, ये और ये इक्वल है, क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम रूल्स लेंगे, कौन सा थ्योरम, 10.2। टेन पॉइंट का तो क्या रूल्स है, जब भी किसी एंगल का हाफ होता है तो यहाँ बनने वाला परपेंडिकुलर और यहाँ बनने वाला परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो ये क्या है, बीपी लाइन, ये जो लाइन है ना, इस कौन एंगल का क्या कर रही है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, क्यों है, क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है, ये लाइन इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। और जब भी एंगल का डिवाइड होगा तो यहाँ का 90 और इधर का 90, तो ये एंगल बन रहा है ना, तो ये 90 और ये 90, अब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी आपके, इक्वल होगी, पी एम इक्वल होगी पी एल, तो पी एम इक्वल होगी पी एन के, क्यों होगी, ये थ्योरम 10.2। अगर थ्योरम यूज नहीं करना चाहते हो, इन दोनों ट्रायंगल क्या कर दो आप, कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो भी हो जाएगा, ये और ये इक्वल, ये क्या है कॉमन, और यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, ऐसे कर सकते हो ए एस, ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपके पास थ्योरम है तो थ्योरम का ही यूज करो। अब वैसे ही इधर से करना है, ये और एंगल इक्वल है तो ये और ये लाइन भी क्या होगी, इक्वल, ऐसा लिखना है सिमिलरली, ये और ये भी क्या होगा आपके, इक्वल होगा, पी एल, कौन सा लिखना था, पी एल लिखना था यहाँ पर, ये और ये इक्वल है, ये तो प्रूव कर लिया, ये और ये इक्वल है। अब सिमिलरली पी एल और पी एन दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, पी एन बराबर क्या होगा पी एल, सेम थ्योरम 10.2। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर, तो पी एम बराबर हो जाएगा आपके पी एल, थ्योरम लगाना है 10.2 वाला। तो 10.2 के जस्ट पहले एग्जांपल दे रखे हैं, या 10.1 के बाद वाला पहला एग्जांपल, ए जी दे रखा है, बी दे रखा है, एफ जी दे रखा है, ये तीनों क्या करना है, फाइंड करना है। पहले ए जी ए डी लेंगे, ए जी और ए डी लेंगे। देखो
एजी रेशो जीडी, इन दोनों का रेशो है ना वो है 2:1। कंप्लीट एडी कितनी हो गई आपके 3, ये 2 है ये 1 है तो ये कितनी होती है 3 होती है रेशियो में। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एजी दे रखी है 6 और फाइंड क्या करना है, एडी करनी है आपको फाइंड करनी है। तो देखो जो फाइंड करनी है वो यहाँ लिखना है। अब इसमें इसी का ही डिवाइड कर देना है 6/2 इंटू मुझे जो फाइंड करना है 3 से मल्टीप्लाई करनी है। इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 3 टाइम और 3 जा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सेकंड लेते हैं, ये 9 आ गया, सेकंड लेते हैं बी ई मतलब ये दोनों बी जी रेशो जी ई, ये होता है पूरा कितना होता है बी ई होता है, बी जी और जी ई बराबर होता है बी ई, रेशो होता है 2:1 और ये हो जाएगा आपके 3। क्वेश्चन में इस बार गिवन है आपके बी ई, बी ई कितना दे रखा है आपके, बी इधर है ये रहा 12.6 और फाइंड क्या करना है आपको, जी ई फाइंड करना है, ये वाला क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो पहले हम जो फाइंड करना है ना वो यहाँ लिखेंगे। अब जो गिवन में गिवन का डिवाइड करेंगे, इसमें इसी का डिवाइड करेंगे, गिवन अपॉन गिवन इनटू फाइंड, ये फाइंड करना है। 3 का इसमें डिवाइड करो, पहले 4 times 2 times तो क्या आएगा 4.2। अब थर्ड है आपके ये वाला लाइन, इसे बोलते हैं सीजी, सीजी और एफजी रेशो टोटल होता है आपके सीएफ, ये ध्यान रखना हमेशा, जहाँ जिस कोने से निकलते हैं ना वो 2 होता है, तो ये सीजी 2 है और ये 1 है, टोटल हो जाएगा आपके 3। अब क्वेश्चन क्या गिवन देखो ध्यान देना, एफजी गिवन है और जीसी निकालना है, जो निकालना है वो यहाँ लिख देंगे। एफ जी दे रखा है कितना है 3, एफ जी में एफ जी का ही डिवाइड लगाएंगे, इंटू जी सी कितना है 2, ये फाइंड करो तो 3 times 6 आ जाएगी जी सी ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल 3 मीडियंस आर इक्वल, तीनों मीडियन क्या है आपके इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब उसकी तीनों साइड भी क्या है इक्वल, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, नाउ क्वेश्चन में गिवन है एडी इक्वल बीई इक्वल सीएफ, क्यों है क्वेश्चन में क्या है गिवन है कि ऑल मीडियंस आर इक्वल, एडी बी और सीएफ इक्वल है, हम क्या करेंगे इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई बाई, ऐसे कर दो मतलब ये हर एक साइड में है जो रेशो आता ना, रेशो इन मीडियंस लिख सकते हो, जहाँ दोनों एंट्री होती है रेशो कितना होता है 2:1 होता है। अब हम क्या करेंगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इस पूरी लाइन को से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, मतलब ये टोटल 3 है ना, ये तो 2/3 पार्ट है और ये वाला 1/3 पार्ट है, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 2/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो क्या होगा, इसको करेंगे 2/3 एडी, 2/3 बीसी, 2/3 एडी, हाँ बीई और लास्ट वाला है आपके सीएफ, इन तीनों को 2/3 जैसे मल्टीप्लाई किया, अगर ये पूरे पार्ट इक्वल है तो इसके 2/3 पार्ट में क्या होगा इक्वल होगा, तो ए जी इक्वल हो जाएगा आपके बी जी इक्वल हो जाएगा सी जी। अब अगर हम 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है कि ये पार्ट और ये पार्ट पूरा पार्ट इक्वल है, थोड़ा पार्ट भी क्या होगा आपके इक्वल होगा, जिसका पूरा पार्ट इक्वल हो जिसका 2/3 पार्ट भी क्या होगा इक्वल, अगर हम 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा इक्वल, तो ये वाला पार्ट और ये वाला क्या लिखोगे यहाँ पर सिमिलर, ये जी डी जी ई और जी एफ क्या होगा बराबर, जी डी जी एफ और जी ई और जी एफ तीनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। अब लेते हैं हम ये दोनों ट्राइंगल,
छोटे ट्रायंगल ये वाला बी एफ जी और सी ई जी हम लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा बी जी एफ एंड ट्रायंगल सी जी ई तीन चीजें बराबर दो तो ऊपर लिखे रहेगी तो ध्यान देना इस ट्रायंगल का ये पार्ट इस ट्रायंगल ये पार्ट बी जी और सी जी क्या है आपके बराबर है बी जी इक्वल क्या है आपके सी जी ये रहा क्या लिखते हैं क्या लिखोगे हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब क्या करना है इस ट्रायंगल का ये इस ट्रायंगल का ये बराबर है तो ये एफ जी और ये जी दोनों क्या है आपके ये लिखा हुआ देखो जी ई और जी एफ दोनों बराबर है क्यों है बराबर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक और बताओ ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल जब लाइन होती है ना पेंसिल होती है वैसे तो ये और ये बराबर है एंगल वन और एंगल टू एंगल वन बराबर है एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल रूल्स कौन सा टू साइड वाले एंगल है एस ए एस ट्राइंगल बी जी एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी जी ई के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अदर पार्ट क्या होंगे अदर पार्ट होंगे ये वाला बी एफ इक्वल क्या होगा सी ई क्यों होगा बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट रहेंगे अब क्या करेंगे ये मीडियन ये क्या है मीडियन है साइड को कितने भागों में बांटती है टू पार्ट में हम क्या करेंगे डबल कर देंगे टू टाइम बी एफ और टू टाइम सी ई जैसे डबल करेंगे क्या बन जाएगी ए बी इक्वल क्या बन जाएगी इधर ए सी बन जाएगी अब वैसा ही और करेंगे आगे सिमिलरली फिर ये वाली और ये वाली क्या होगी अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ना ये दोनों ट्रायंगल तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे सिमिलरली बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपके ए सी ए बी किसके बराबर है ए सी के बराबर है बी सी के तीनों पार्ट क्या हो गए इक्वल सो दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन ट्रायंगल हो गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अब है थर्ड वाला थर्ड एग्जांपल क्या है ओनली टू मीडियन इक्वल है कौन सी मीडियन इक्वल है ओनली टू इक्वल है ये वाली इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल ये दोनों इक्वल हो जाएगी लेकिन ये वाले इक्वल नहीं होगी यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल हो जाएगी लेकिन ये वाली इसके इक्वल नहीं होगी ये इक्वल नहीं होगी आपस में यही इसके पार्ट क्या होंगे आपके इक्वल होंगे और इन दोनों ट्रायंगल को ही लेना है और यहाँ क्या आ जाएगा आपके ए बी इक्वल क्या हो जाएगा ए सी तो हमें ये प्रूव करना है हमें ये क्या प्रूव करना है ये क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल है जैसे कितनी मीडियन इक्वल है टू मीडियन इक्वल है तो देखो आ गया इक्वल ए बी ए सी क्या है इक्वल है ये क्या कहलाएगा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगा तो वही क्वेश्चन लेना है सेम बस आपको ये वाला पार्ट इक्वल नहीं करना है और यहाँ तक ही करना है इसके आगे सिमिलर लिखने की जरूरत नहीं है और ये वाली इक्वल हो जाएगी ये हो जाएगा आपके आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा